हेलो पतिदेव, आप कैमरे पे हो तो इसलिए शराफत से बताओ आपको खाना क्या है। नॉन नखरे, इनके नखरे बहुत होते हैं। कुछ भी बना दो यार। कुछ भी क्या होता है वो भी बता दो। इनका कुछ भी बहुत डरावना होता है क्योंकि पता नहीं लगता। अच्छा ये मत बनाओ, अच्छा वो नहीं यार कुछ और तो बता दो। क्या बनाना है आपके लिए और मेरे दोस्तों के लिए? कुछ भी जो उनके यहाँ की स्पेशलिटी है, किनके खासकर यहाँ यूपी के? की। अच्छा ओके, इनको अभी तक याद है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड आई हुई थी और उसने मुझे तहरी बनाना सिखाया है। तो लखनऊ का बहुत ही एक टेस्टी रेसिपी होता है जो मैंने एक्चुअली 2-3 बार खाया तो था और हमें बहुत पसंद भी आया था, बट मुझे बनाना नहीं आता था। एक बार एक्सपेरिमेंट किया भी तो अच्छा बना नहीं था। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तहरी, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और वो भी बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगी, जिससे मेरे पतिदेव भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेरे फ्रेंड्स भी। मैं तुम्हारे फ्रेंड की उंगली चाट लूंगा। घुसा मारूंगी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं और गॉसिप तो हमारी चलती ही रहेगी एज यूजुअल। तहरी बनाने के लिए मैंने 3 टमाटर चॉप किया बारीक, 4 प्याज, 1 गाजर, इसको भी बहुत बारीक किया, थोड़ी सी अदरक, और ये है आलू, जिस 3 से 4 आलू, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा बारीक मैंने चॉप किया है। और मैंने ऑलमोस्ट 250 ग्राम ये मटर है, और ये है गोभी। गोभी भी मैंने आप 100 ग्राम के करीब गोभी है, क्योंकि मैं 5 से 6 लोगों के लिए तहरी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गोभी को फ्राई करूंगी, फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। तो अब मैंने कुकर को गरम कर लिया है और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल 2 से 3 चम्मच दिया है और इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच छोटी चम्मच से हींग डालूंगी। इन सबको 2 से 3 मिनट फ्राई करूंगी। और लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, इसको भी फ्राई करूंगी 2 से 3 मिनट। और हरी मिर्च जो मैंने 3 से 4 लिया, आप चाहें तो लाल मिर्च भी दे सकते हैं। इसमें थोड़ा तेल ज्यादा लगता है क्योंकि ये जिससे चावल चिपके ना। और मैं अब इसमें प्याज डाल रही हूँ, प्याज को भी 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद फिर मैं टमाटर डालूंगी। आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर को भी 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, 1 से 1.5 चम्मच नमक डालिए स्वाद अनुसार। और आप जैसे टमाटर डालते ही अगर उसमें नमक डाल दीजिएगा तो ये जल्दी पक जाता है। तो इसको 2 से 3 मिनट नमक डालने के बाद मैं अच्छे से पका लूंगी। और फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ मैं, और 1 से 1.5 चम्मच डालिए, और थोड़ा सा मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ये तीखी मिर्च पाउडर है तो 1 चम्मच डाला है, और ये है चिकन मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इन सबको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनूंगी मैं। इसको ढक के भूनेंगे जिससे ये जल्दी पक जाए और ज्यादा टाइम भी ना लगे और ज्यादा स्वादिष्ट बने। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये ऑलमोस्ट पक चुका है, हमारा प्याज टमाटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर, जिसको मैंने बारीक काटा था, और पोटैटो, और मटर। इन सबको मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी, फिर इसको ढक के पकाऊंगी। तीन से चार मिनट आप देख सकते हैं थोड़ा इसका टेक्सचर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। चावल मैं 6 से 7 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने 3 ढक्कन लिया है। चावल यूजुअली आप जितना बनाते हैं 6 से 7 लोगों का, उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में डालना है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी बहुत हैं। तो मैं इसको 2-3 मिनट भून लूंगी अच्छे से। और मैं इसमें ये डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच आप डाल लीजिए, थोड़ा अगर ज्यादा खाते हैं तो हम ज्यादा लेते हैं।
और मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 ग्लास पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें 2 सीटी लगानी है। तो जी 2 सीटी लग गया है और आप देख सकते हैं कलर और फ्रेग्रेंस जो बोलते हैं ना, खाने का जी खुशबू आ रही है उसका क्या कहना, मुझे तो बहुत लालच आ रहा है। ये एक लखनऊ का बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो गोभी को मैंने फ्राई कर लिया था, अब मैं गोभी को इसमें ऊपर से डाल रही हूँ जो अच्छी तरह से पक गया था। और मेरा तहरी तैयार हो चुका है। तो आप भी बनाइए, खिलाइए, बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।